मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आपके मार्गदर्शन के उपरांत उत्तर प्रदेश के हमारे मंत्रिमंडल के समूह ने दुनिया के 16 देशों की 21 शहरों में रोड शो के आयोजन किए थे। उन सभी देशों में भारतीय मिशन से जुड़े हुए हमारे माननीय राजदूतों ने उन्हें भरपूर सहयोग देकर के आपके विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी के उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही देश के 10 बड़े महानगरों में भी इन रोड शोज के आयोजन किए गए और आज जब यहां पर आपका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है तो न केवल प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10,000 से अधिक यहां पर आए हुए उद्योग देश के दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों, निवेशकों तथा बिजनेस डेलीगेशंस की उपस्थिति में बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ संचालित हो रहा है। सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम एक साथ हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन पूरे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, ईयू इन्वेस्टमेंट इंडिया चैम्बर्स, ऑस्ट्रेलियन इंडिया बिजनेस काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की, सीआईआई सदर्न इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जेट्रो कोटरा अबूधाबी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कनाडा इंडिया फेडरेशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा लघु भारती जैसी प्रमुख सभी व्यापारिक जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, इन सब ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोगी बनकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश के अंदर इस पूरे निवेश महाकुंभ के अवसर पर जो प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों से ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस एंड इन एरोस्पेस, हेल्थ, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स सहित सभी 25 सेक्टर में जिनकी सेक्टोरियल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही जारी की है, हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।